तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबकी ठंड में कुल्फी जम रही होगी। तापमान इतना गिर गया है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कोई इतना कैसे गिर सकता है। ठीक है, पुअर जोक। आज हम बात करेंगे रियल स्टोरी या डेथ ऑफ शिनचैन के बारे में। वैसे तो आपने ऐसी दर्जनों वीडियोस देखी होंगी और भगवान जाने क्यों इन वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं और एक हमारी वीडियोस हैं जिन पर। तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। और इन वीडियोस पर कमेंट्स भी ऐसे ऐसे होते हैं, वेरी सैड स्टोरी, आई लव शिनचैन। पर इतने कमेंट्स के बीच मुझे एक ऐसा कमेंट दिखा जिसे देखकर मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि इंसानियत कहीं तो जिंदा है। रियल और फेक, इट्स रियल। आई मीन रियली, क्या इस देश की जनता को चूतिया बनाना इतना ही आसान है? अब मुझे ही कुछ करना होगा, जनता को सच दिखाना पड़ेगा, इन पापियों का भांडा फोड़ना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो शैल वी बिगिन? तो जो कहानी आप लोगों को ज्यादातर वीडियोस में देखने मिलेगी वो कुछ ऐसी है कि नोहारा फैमिली सच में थी। एक दिन वो लोग घूमने बाहर गए थे, जब उनका ध्यान हीमावारी पर नहीं था तो हीमावारी चलकर बीच सड़क पर पहुंच गई। शिनचैन ने जब उसकी तरफ आती हुई कार को देखा तो वो उसे बचाने के लिए भागा और उस कार से टकराकर उन दोनों की मौत हो गई। इससे डिप्रेस होकर मित्सी ने अपनी हैप्पी फैमिली को इमेजिन करना और उसके अराउंड स्टोरीज लिखना शुरू किया और उन्हीं स्टोरीज को बाद में शिनचैन के राइटर योशितो युसुई ने एनीमे और मांगा में कन्वर्ट कर दिया। तो यही वो कहानी है जो आपको लगभग सभी जगह देखने और सुनने मिलेगी और ये बिल्कुल निहायत ही सफेद झूठ है। नाउ लेट मी टेल यू द रियल थिंग, शिनचैन के पीछे की असली स्टोरी है क्या? जो शिनचैन का ऑथर है योशितो युसुई, वो एक जनरल स्टोर में काम करता था। स्टोर के मालिक का नाम था शिनोसुके निकाइडो और शिनचैन इसी इंसान पर बेस्ड है। पहले तो योशितो ने स्टोर में हुए कुछ छोटे मोटे एडवेंचर्स को मांगा में तब्दील किया जिसमें शिनोसुके भी एक कैरेक्टर था। एडिटर्स को वो कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उन्होंने योशितो को सजेस्ट किया कि वो उस कैरेक्टर पर एक अलग मांगा लिखें और इस तरह शिनोसुके से बना शिनचैन, जिस शिनचैन को आज हम बखूबी जानते हैं। 2009 में माउंटेन ट्रैकिंग के दौरान योशितो युसुई की मौत हो गई। कहा जाता है कि वो डिप्रेशन में थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। 2010 में चीफ एडिटर और बाकी स्टाफ ने मिलकर ये फैसला किया कि वो शिनचैन को कंटिन्यू रखेंगे और जब तक शिनचैन के वॉइस एक्टर्स और मांगा आर्टिस्ट जिंदा हैं तब तक ये एनिमे यूं ही चलता रहेगा। तो ना ही शिनचैन की कोई सैड एंडिंग है, ना ही कोई लास्ट एपिसोड है जिसको अब तक टीवी पर नहीं दिखाया गया। शिनचैन के 900 से भी ज्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही बनते रहेंगे और हम सबको हंसाते रहेंगे। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं।